जो सूर्यगढ़ा पीएससी है वहाँ दो लोग आए जो यहाँ के थे और कुमार अविनाश करके हैं, उनको मेनली एक ही व्यक्ति थे जो कि पहले से जिनको कि थोड़ा सिम्टम था जो बताया गया बाद में हिस्ट्री में, उनको पॉजिटिव वो निकले। हम लोगों ने जब उनका कांटेक्ट किया कि वो किसके किसके संपर्क में रहे हैं तो मालूम चला कि वो यहाँ घर में रहे हैं और यहाँ के संपर्क में रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब जांच कराया एक दिन में, तीन दिन पहले हम लोगों ने 28 लोगों की जांच की, उसमें 22 लोग हमारे जो है संक्रमित पाए गए। ये रैंडम टेस्टिंग थी? रैंडम टेस्टिंग है, हाँ, रैंडम वो जो हमारा जो होता है ना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, उसके माध्यम से रैंडम हमने नहीं किया, बल्कि यहाँ पे जितने लोग उस घर के आसपास उस गांव में, खासकर ये पाठक टोला जब है वहाँ, हम लोगों ने पूरा जब चेक कराया जो जिसके जिसके वो कॉन्टैक्ट में रहे थे, तो पाया गया कि 28 लोग के कॉन्टैक्ट में थे जिसमें 22 लोग जो है वो संक्रमित थे। हम लोगों के लिए भी आश्चर्य की बात थी। और इसमें ये पाठक टोला है कह करके है जिसमें कि 6-7 10 घर जैसे बता रहे हैं लोग, तो हम लोगों ने स्पेशल रूप से देखने के लिए, हमारे लिए भी ये था जरूरी था देखना है और जांच करना कि अब तो कोई वैसी संभावना नहीं है जिसमें और लोग संक्रमित हो, इसलिए हम लोगों ने देखा है कि यहाँ भी बैरिकेडिंग है जो आप भी देख रहे हैं और उस साइड में भी बैरिकेडिंग है। लोगों को बात किया, लोगों की कुछ चिंता भी है और बहुत स्वाभाविक है कि उनको जो है स्वाभाविक है जब पूरा बैरिकेडिंग कर देते हैं उनको खाने पीने की असुविधा हो जाती है, लेकिन हमारे वीडियो ने बताया है कि उन्होंने चौकीदार को रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ के वार्ड सदस्य भी एक्टिव है। हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया है कि वहाँ लोगों को असुविधा न हो इसके लिए उनको पानी दूध उनके बच्चों के लिए सुबह में और सब्जी की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर रहेगा, हो रही है लेकिन वो उतने संतुष्ट नहीं दिखे। हमने उनको धीरज रखने के लिए भी कहा है क्योंकि 10 दिन जो हमारा प्रोटोकॉल है 10 दिन के बाद मिनिमम 14 दिन ऐसे कहा है, लेकिन WHO ने 10 दिन का ही किया है, तो उसके बाद जब वो हो जाएंगे फ्री तो हम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। इसके तहत और हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है, हमारे जो सूर्यगढ़ा के PSC के प्रभारी है वो भी आकर के इंस्पेक्शन कर लिए, सब लोगों की टेस्टिंग से भी डॉक्टरों की टीम आई है, पटना से आई है, हमारे यहाँ डॉक्टर सेतु सिन्हा हैं जो IGIMS के हैं और वो आए हैं स्पेशली इसीलिए कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो कंटेनमेंट, लेकिन ये पहले स्पॉट जो हुआ उससे पहले ही यहाँ आ चुके थे और टीम रखी गई है स्पेशली इसीलिए कि हम लोग जितना भी है लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा सकें, लोगों को सही मेडिसिन दिलवा सकें और लोगों का इलाज प्रॉपर कर सकें। सबको मेडिसिन दे दिया गया है, सबकी व्यवस्था करा दी गई है और हमको उम्मीद है कि अब यहाँ पर और संक्रमण नहीं होगा। सबसे खुशी की बात मुझे देखने को मिली, लोगों में बहुत जागरूकता है, यहाँ के बच्चे को भी आप देखेंगे तो सभी बच्चों के पर मास्क हमको दिख रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आश्चर्य ये है कि आप यहाँ से बाहर निकल के चले जाएं बाजार में देखेंगे कि लोगों के पास मास्क नहीं है। ये जागरूकता कैसे आई? जब लोग खुद संक्रमित हुए, लोगों को जब ये लगा कि ऐसी स्थिति आ सकती है तब लोग जो है आप जागरूक हो गए। हम चाहेंगे कि लोग इससे पहले कि झेलें उससे पहले ही जागरूक हो जाए तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है।